ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। स्नेक आइलैंड, ब्राज़ील। अगर आप सांपों से डरते हो तो ये जगह आखिरी होगी जहां आप जाना चाहोगे। इस वीरान आइलैंड का नाम इला डा क्विमिडा ग्रांडे है। ये ब्राज़ील देश में है, जिसे सामान्य भाषा में स्नेक आइलैंड कहते हैं। ये स्नेक आइलैंड दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों का घर है। ब्राज़ील सरकार ने इस जगह को प्रतिबंधित घोषित किया है, जिससे इस आइलैंड पर कोई भी नहीं जा सकता है, पर फिर भी यहाँ लोग जाते हैं। दूर से ये एक सामान्य आइलैंड की तरह ही लगता है, पर इसे एक सामान्य आइलैंड समझने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आइलैंड जो 43 हेक्टर में फैला हुआ है, यहाँ के सांपों की प्रजाति काफ़ी जहरीली हैं, जैसे कि गोल्डन लेंस हेड पिट वाइपर, जो सिर्फ इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। ये सांप काफ़ी जहरीले होते हैं, जो कि 4000 से भी अधिक की संख्या में यहाँ पर हैं, जो हर समय अपने खाने की तलाश में रहते हैं। और इस आइलैंड पर ऐसी कई प्रजातियाँ हैं। स्नेक आइलैंड पर ब्राज़ील की नौसेना भी नहीं जाती है। ये अब तक नहीं पता चल पाया है कि यहाँ इतने सांप कहाँ से आए। माना जाता है कि 11000 साल पहले जब यहाँ का जल स्तर बढ़ा होगा तो आसपास की जगहों के सारे सांप यहाँ आ गए होंगे। ये आइलैंड वीरान होने की वजह से यहाँ की प्रकृति अनछुई है, जिसका फ़ायदा यहाँ के सांपों को यहाँ अपनी प्रजाति बढ़ाने में मिला। और यहाँ के सांपों का जहर काफ़ी ख़तरनाक है, जो दुनिया के किसी भी सांप के जहर से कई गुना अधिक जहरीला है। यहाँ के सांपों के आहार में अधिकतर यहाँ के पक्षी आते हैं, जो यहाँ रहते हैं या फिर यहाँ उड़कर आते हैं। स्नेक आइलैंड पर एक लाइट हाउस है, जो 1909 में बना था। तब यहाँ रहने वाले आदमी को सांपों ने मार दिया था, तब से ये लाइट हाउस वीरान है। अगर आप यहाँ जाना चाहो तो यहाँ ज़रूर जाइए, पर शायद आप ज़िंदा वापस नहीं आ पाओगे। शेनोबल यूक्रेन। शेनोबल यूक्रेन में एक जगह का नाम है। वहाँ एक ऐसी घटना हुई थी जिसे कोई भी देश देखना नहीं चाहेगा। यहाँ एक समय करीबन 48,000 से भी अधिक लोग रहते थे, पर एक रात में सब कुछ बदल गया और तब से आज तक ये पूरा शहर वीरान है। लेकिन क्यों? तो वो तारीख थी 26 अप्रैल 1986 की रात को। इस शहर के न्यूक्लियर प्लांट में एक टेस्ट किया जा रहा था, जो काफ़ी समय तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी इस न्यूक्लियर प्लांट के चौथे प्लांट में कुछ गड़बड़ी शुरू हुई। उस गड़बड़ी को सही करने के लिए उन्होंने जैसे ही बिजली की सप्लाई को बंद की, तभी एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे चारों प्लांट में आग लगी और साथ ही विस्फोट हुए। आग लगने के साथ ही प्लांट से रेडियो एक्टिव तरंगे निकलना शुरू हो गई, जो स्थिति काफ़ी ख़तरनाक थी। पहले तो सोवियत यूनियन सरकार ने इस घटना को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब करीब 1000 किलोमीटर दूर स्वीडन में लगे न्यूक्लियर अलार्म बजने लगे, जो काफ़ी बड़े खतरे का संकेत था, तब सोवियत यूनियन सरकार इसे छुपा नहीं सकी और उन्हें सच सबके सामने लाना ही पड़ा। अब तक की ऐसी दो ही घटना हुई हैं जिन्हें रेडिएशन के उच्चतम स्तर 7 पर रखा गया हो, ये उनमें से एक है। और दूसरा था 2011 का फुगुशिमा जापान की घटना। आज शेनोबल में 150 किलोमीटर के दायरे में जाने की मनाही है, जहां रेडिएशन की मात्रा आज भी काफ़ी है, जिसे ख़त्म होने में कई हज़ार साल भी लग सकते हैं। आज यहां की वीरान जगहों को देखने के लिए पर्यटक और रिसर्च के लिए वैज्ञानिक आते हैं, पर इन पर्यटकों और वैज्ञानिकों को कुछ ही समय में ही उस दायरे के बाहर आना होता है। यहाँ की जगहों और घरों को देखकर हैरानी होती है कि जो चीज़ें 32 साल पहले जहाँ थी, आज भी वहीं पड़ी हैं। ये सब देखकर पता चलता है कि लोगों ने इस जगह को कितनी जल्दी छोड़ा होगा और सारा सामान यहीं छोड़ गए। ये जगह आज जंगल बन चुकी है, जहाँ जानवर और पक्षी रहते हैं। अजीब बात यह है कि जानवर और पक्षियों पर रेडिएशन का बुरा असर नहीं हुआ है, बल्कि उनकी आबादी बढ़ती ही जा रही है। सेंटिनल आइलैंड, भारत। सेंटिनल आइलैंड भारत के बंगाल की खाड़ी में
एक छोटा सा द्वीप है। यह आइलैंड बाहरी दुनिया से बिल्कुल अछूता है। कारण है यहाँ रहने वाले लोग जो बाहरी दुनिया को अलग रखते हैं अपने द्वीप से। यह आदिवासी लोग करीब 60,000 साल से यहाँ रह रहे हैं। यह आइलैंड आधुनिकता से अछूता होने के कारण ये घने जंगलों से घिरा हुआ है। सेंटिनल आइलैंड पर कई बार जाने की कोशिश की गई, जैसे कि हेलीकॉप्टर से वहाँ जाने की कोशिश की, पर वहाँ के लोगों ने तीरों से और भालों से उन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उन्हें भागना पड़ा। ये लोग आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और इनकी संख्या करीब 200 से 400 की जनसंख्या मानी जाती है। इन लोगों से बात करने की कोशिश कई बार की गई, पर हर बार नाकामी ही हाथ लगी। एक बार की बात है जब दो मछुआरे अपना रास्ता भटक गए और उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ हैं। उन दोनों को सेंटिनल आइलैंड के आदिवासियों ने पकड़कर मार दिया। इन लोगों और इस आइलैंड के बारे में हम कुछ अधिक नहीं जानते हैं। ये आइलैंड भारत के अधीन आता है, जिससे भारत ने यहाँ पर किसी के भी जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। मंकी आइलैंड पोर्टो रिको। मंकी आइलैंड पोर्टो रिको में है, जिसे कायो सैंटियागो आइलैंड भी कहते हैं। इस आइलैंड पर अधिक बंदर होने के कारण इसे मंकी आइलैंड कहते हैं। पर आप इस धोखे में बिल्कुल मत रहिएगा कि ये कोई प्यारे बंदर होंगे। इन सब के पीछे है एक वैज्ञानिक का प्रयोग। ये कहानी शुरू होती है सन 1938 में, जब एक अमेरिकी जीव वैज्ञानिक क्लेरेंस कारपेंटर ने करीब 400 जितने मकैक बंदरों को इस आइलैंड पर छोड़ा, ताकि वो इन बंदरों की जीवन शैली को देख सके और उनके बर्ताव को समझ सके। पर इसके साथ साथ वो उन बंदरों पर करीब 80 साल तक अलग अलग बीमारियों के टेस्ट करता रहा। अब करीब 1000 से अधिक बंदरों की संख्या यहाँ हो चुकी है। ये बंदर इंसानों के आदि हो चुके हैं, लेकिन इस कारण आप इन बंदरों के नज़दीक जाने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये हर्बीज बी नामक वायरस इन सभी बंदरों के अंदर है, जो मनुष्यों के लिए खतरनाक है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि आइलैंड पर आपको जाने से पहले कहा जाता है कि किसी भी बंदर को आप पर पेशाब करने ना दे, वरना परिणाम खराब होंगे। अगर ये सब ध्यान ना दें तो यहाँ की खूबसूरती आपको खुश कर सकती है। काफ़ी वर्षों तक यहाँ पर कोई भी आ जा सकता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब केवल रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों को ही यहाँ आने की इजाज़त मिलती है। तो आप अगर इस आइलैंड के नज़ारों का आनंद लेना चाहते हो तो आप यहाँ जा सकते हो, पर आपको पता है कि बंदरों को आप पर क्या नहीं करने देना है। हार्ट आइलैंड ऑस्ट्रेलिया। हार्ट आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। ये आइलैंड हिंद महासागर में स्थित है, जो कि एक ज्वालामुखी के पट्टे पर आया हुआ है। इस आइलैंड पर एक काफ़ी बड़ा पहाड़ है, जो असल में एक ज्वालामुखी है। ये जगह पूरी पृथ्वी की एकमात्र ऐसी जगह है जो इंसानों से अछूती है। ये आइलैंड बर्फ की एक मोटी परत से ढका हुआ है। हार्ट आइलैंड के ज्वालामुखी की ऊंचाई 9000 फीट की है, जो आइलैंड के बीचों बीच स्थित है। हजारों साल पहले मानव जाति के अस्तित्व में आने के बाद भी ये जगह आज भी मानव से अछूती होने के कारण समुद्री जीवों को यहाँ फलते फूलते देखा जा सकता है। इस कारण से ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इस आइलैंड को प्रतिबंधित जगह घोषित किया है, जिससे यहाँ की प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो। यहाँ पर जाने के लिए खास इजाज़त लेनी होती है, जो सिर्फ शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को ही दी जाती है। हार्ट आइलैंड पर पहुँचना कोई आसान बात नहीं है। इस आइलैंड पर पहुँचने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया से 2 हफ्तों का सफ़र पानी के जहाज से करना होगा, जो मुसीबतों से भरी हुई है। और ये पानी के जहाज भी हर समय नहीं चलते हैं। ये सिर्फ 3 साल में एक बार इसकी यात्रा के लिए पानी के जहाज चलाए जाते हैं, और वो भी ज़्यादातर शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों से भरे होते हैं। चिंता की बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग से ये आइलैंड भी नहीं बचा है। इसकी बर्फ़ की मोटी परत भी अब पिघलने लगी है, लेकिन कुछ अच्छा भी हुआ है, जैसे कि बर्फ़ पिघलने से मिट्टी का स्तर ऊपर आया, जिससे पेड़ पौधों की संख्या बढ़ी, यानी हरियाली बढ़ी। अगर आप रोमांच के शौकीन हो, अगर आप बर्फीले तूफान को झेल सकते हो,
अगर आप रक्त जमा देने वाले वातावरण को झेल सकते हो तो आपका यहाँ स्वागत है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।